नमस्कार प्रणाम, मैं हूं आप सभी का भाई रवि और आप देख रहे हैं हेडलाइन भोजपुरी। आज हमारे साथ सारे गामा म्यूजिक के MD यानी विक्रम मेहरा सर मौजूद है। कैसे हैं सर? बस जी, आपकी दुआ। सर ये बताइए कि क्या करते हैं कि YouTube पर सारे गामा हम भोजपुरी हो या हरियाणी हो, सारे गामा हम भोजपुरी के अधिकतर गाने ट्रेंडिंग में रहते हैं। बहुत मेहनत करते हैं। जब ये वो इंडस्ट्री है जहाँ लोग 15 गाने एक दिन में शूट करते हैं, हम 15 से 30 दिन लगाते हैं एक गाने को शूट करने के अंदर। तो देखिए, मैं किसी और को भी बता रहा था, मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो हम जब यहाँ सोच कर आए हैं कि हम मेहनत से गाने लिखेंगे, उनको शूट करेंगे, उसके बाद दिल खोल के उसकी पब्लिसिटी करेंगे, और उसके बाद अगर अच्छी चीज़ें तो खूब चलेगी। तो ऐसा नहीं है सब चलता है, कभी कभी नहीं भी चलते हैं तो दर्द बहुत होता है, बट कोशिश ये रहती है बेहतरीन गाने लेकर आए। सर जो आप सोच के भोजपुरी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया था और अभी जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, क्या लगता है आगे का फ्यूचर कैसे देखते हैं? अरे फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। देखिए, म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ पे है और भोजपुरी गाने इतने लोग समझते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, तो हम तो जम के इन्वेस्ट करेंगे भोजपुरी में भी और बाकी भाषाओं में भी, और फ्यूचर और ब्राइट है। जिसका मतलब है कि आपको और बड़े बड़े आर्टिस्ट मिलते आएंगे भोजपुरी में से। मैंने सुना है कि आप फिल्में भी बहुत बड़े बजट की बनाने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। हम फिल्में बहुत अच्छी बनाने वाले हैं इंडस्ट्री के अंदर। बजट से अगर पिक्चर बड़ी हो जाए तो फिर हर बड़ी पिक्चर सुपरहिट होगी, होता नहीं है। सर क्या कहेगा हमारे दर्शकों के लिए? दर्शकों से मैं यही बोलूँगा, देखिए कि अपने भोजपुरी म्यूज़िक और अपनी भोजपुरी पिक्चर पे बहुत गर्व करिए कि बहुत बेहतरीन काम हम लोग करते हैं और आगे और अच्छा करते रहेंगे। थैंक यू। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। ऐसे हमारे साथ विक्रम मेहरा सर, और जय हिंद।